आज मैं बनाना ओटमील स्मूदी बना रही हूँ जो कि बहुत सिंपल, क्विक एंड अगेन वेरी न्यूट्रिशियस। इसके मैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी। हमें 3 से 4 बनानास चाहिए होंगे जिसको हम ब्लेंडर में डाल देंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। उसके साथ हमें शुगर चाहिए होगी 2 टेबल स्पून, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके साथ हमें पिंच ऑफ चॉकलेट पाउडर चाहिए होगा। अच्छा है ना, शुगर में से बनाना इट्सेल्फ बहुत स्वीट होता है और हम धीरे धीरे चीजें भी करते हैं जो शुगर नहीं चाहते वो ना ऐड करें, ना ऐड करें। एग्जैक्टली, दिस इज ऑप्शनल। और अगर आप थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा स्वीट पसंद है, अच्छा, और थोड़ा बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी बनने की कोशिश करती हूँ, तो यू कैन ऐड यू नो ब्राउन शुगर, हनी अगेन अपनी मर्जी से, 2 to 3 tablespoons ऑफ ओट्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिल्क। अच्छा, यहाँ पर मैं बताऊंगी कि जो बनाना होता है इसका जो पील होता है, इसका जो छिलका होता है, दैट्स रियली गुड। उसके भी बहुत से फायदे हैं। अगर आप उसको ओवरनाइट अपनी स्किन पे पील करके सो जाए, टोटका है, आपकी स्किन जो है वो बहुत फ्रेश और ग्लोइंग होगी। सो इट्स वेरी गुड फॉर स्किन। और इसमें इसमें हम बस ये ऐड कर देंगे एंड हियर इट इज। मौलाना साहब ने सवाल किया है ना आपसे, आप ये ब्लेंडर बंद करेंगे तो मौलाना साहब एक सवाल करने वाले हैं। आज भी लेके जाएंगे। मौलाना साहब, कल वाला ड्रिंक कैसा था? अच्छा था माशाल्लाह। अपने ऑनेस्टली बता रहे हैं वो तमाम लोग जो देख रहे हैं। मैं मौलाना साहब का कमेंट लेना चाहूंगी कि कल वाला ड्रिंक कैसा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा था। मौलाना साहब, जो आपने दूसरा कमेंट किया ना वो हीरा को बताया। वो हम सुनना चाह रहे हैं। कह रहे हैं केले के छिलके मुंह पे लगा ले, मैं कह रहा हूँ कीड़ियां ना चाह जाने। ठीक हो गया है ना, आपका ड्रिंक रेडी हो गया? यस इट्स रेडी, सिंपल एंड क्विक। चलें जी, बहुत जबरदस्त हो गया। और प्रेजेंटेशन वगैरह आप करें, हम मीनवाइल चूंकि हमारे पास वक्त कम है और रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पर आ रहा है, स्क्रीन पर आ रहा है, वो भी आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है बिल्कुल। और अब हमने बढ़ना है आगे।